हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संध्या और आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी बीटरूट मोमोज। इसे बनाने के लिए हम एक बाउल में गेहूं का आटा लेंगे, एक कप, थोड़ा सा नमक और ये हमने छोटा टुकड़ा बीटरूट को बॉयल करके इसको मिक्सी में पीस करके उसका जूस निकाल लिया, उसे हम डाल करके एक स्मूथ आटा बना करके तैयार करेंगे। तो आप चाहे तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हेल्दी बना रही हूँ तो इसलिए मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मसल लेंगे और ये हमारा स्मूथ डो बन करके तैयार हो गया। हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब मैं इसका फिलिंग बनाती हूँ। एक चम्मच घी डालेंगे और बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। आप अपने पसंद की भी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और जब ये फ्राई हो जाए तो हमें नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मिलाना है। बस हमें यही 3 चीज़ मिलाना है और इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए और हम इसे भून लेते हैं। ये हमारी फिलिंग बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। अब हमारा आटा भी बिल्कुल रेस्ट कर चुका है। अब हम इसमें इसको 3 भाग में बांट लेते हैं। एक भाग उठाएंगे और इसको अच्छी तरीके से लोइयां बना करके तैयार करेंगे। गेहूं का आटा हम छिड़क देंगे और इसे हम एक बड़ा सा पूड़ी के जैसा बेल करके तैयार कर लेंगे। अब इसे आप बड़ी कटोरी या गिलास से इस तरीके से सर्कल में काट लें। इस तरीके से बनाना काफ़ी आसान होता है, तो सभी को हम इस तरीके से बना करके पहले तैयार कर लेंगे, यानी सभी पूड़ियों को बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम एक पूड़ी उठाएंगे और इसके ऊपर हम बिल्कुल सेंटर में फिलिंग डालेंगे। 1 चम्मच ही हम फिलिंग डालेंगे और अब हमें इस तरीके का डिजाइन आता है तो मैं अपना सर्कल वाला डिजाइन बना रही हूँ। आपको जैसा भी डिजाइन आता हो आप बना सकते हैं मोमोज का। अब मैं एक लंबे वाला डिजाइन बनाती हूँ, तो इस तरीके से आप फिलिंग को भर लें और इस तरीके से मोड़ते जाएं। जो भी आपको डिजाइन पसंद हो आप मोमोज की डिजाइन बना सकते हैं। तो ये हमने एक लंबा और सर्कल वाला बना दिया है। अब मैं इसको स्टीम करने जा रही हूँ 15 मिनट के लिए। गर्म पानी पहले से रख दिया था, 15 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करूँगी। तो कढ़ाई में थोड़ा सा घी लगा हुआ था, बस हम उसमें सभी मोमोज को डाल करके 1 मिनट के लिए बस हम इसे चला लेंगे। ज़्यादा नहीं चलाना है, बस ये हमारा मोमोज बन करके तैयार हो गया। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो काफ़ी हेल्दी ये मोमोज है। आप इसको मोमोज की चटनी और मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।